Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs for the month of December 2019. In my last session, if you have watched my last session, I was discussing about the category of agreements. So, वहाँ पे मैंने कुछ topics discuss किए थे. Let us continue with the agreements. Now, Reliance Industry और British Energy Giant BP ने एक agreement sign किया है जिसमें कि वो petrol pump set करेंगे under Jio BP brand. Is it clear? ये third joint venture है Reliance Industries और British Energy BP के बीच में since 2011. नेक्स्ट क्या है कि जो होंडा कार्स इंडिया पार्टनर्स हैं ट्रांस लीज फॉर ऑटो फाइनेंस सॉल्यूशन. नाउ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड दे हैव टाइड अप विद द ट्रांस लीज टू ऑफर द ऑटो फाइनेंस सॉल्यूशंस फॉर इट्स कस्टमर्स. सो इनकी पार्टनरशिप के अंडर स्मार्ट ईएमआई इंट्रोड्यूस हुआ है कस्टमर्स के लिए एंड विच विल टेक केयर ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग फाइनेंसिंग पीरियड्स. ट्रांसलीज क्या है? ऑटोमोबाइल लीजिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है. नेक्स्ट क्या है? CSIR पार्टनर विद CNRS टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. इज इट क्लियर? सो इसमें क्या है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया नेशनल साइंटिफिक सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च फ्रांस न्यू दिल्ली में. डायरेक्टर जनरल कौन है? CSIR के शेखर सी मंडे. इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और वो एग्रीमेंट क्या है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर? सो इंडिया और यूएस ने दे हैव अग्रीड, ये उनकी जो बायलेटरल कोऑपरेशन है उनको और ज़्यादा डीपन करना है, डिफेंस ट्रेड को इंक्रीज करना है. सो दे ऑल्सो एग्री टू इंटेंसीफाई देयर कोऑर्डिनेशन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि जापान है फॉर पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन एंड पुट अप अ डिसाइसिव फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म. सो सेकेंड 2+2 इंडिया यूएस मिनिस्ट्रियल डायलॉग है वो वॉशिंगटन DC में हेल्ड हुआ है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि ASUS टाइज अप विद वॉल्वो टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ASUS मोटर्स हैं वो वॉल्वो AB UT ट्रक्स बिजनेस को बाय करेंगे जिनका एंटरप्राइज वैल्यू $2.3 billion है एंड दे टाई अप विद स्वेडिश फर्म टू कट कॉस्ट एंड डेवलप इलेक्ट्रिक एंड सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज. वॉल्वो है has already begun marketing battery electric trucks. Volvo ये world का 5th largest truck making group है. Next क्या है? Energy Efficiency Services Limited और भागीरथ Sustainability ने एक memorandum of understanding sign किया है जिसमें वो electric vehicles को explore करेंगे इंडिया में और ये जो memorandum of understanding के साथ साथ उन्होंने Energy Efficiency Services Limited what they are seeking to deploy around 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फास्ट ट्रैक द अडॉप्शन ऑफ ई मोबिलिटी विद इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो ADBs हैं और $490 million लोन टू अपग्रेड इंडियन स्टेट रोड्स. ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है $490 million लोन का फॉर PPP टू अपग्रेड 1600 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स फ्रॉम सिंगल लेन टू टू लेन विद इन MP. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 60% ऑफ टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रिलीज करेगी और रिमेनिंग 40% इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड कॉमर्शियल डेबिट. सो 2002 से ADB है, दे हैव प्रोवाइडेड 5 लोन्स टू MP फॉर इट्स रोड नेटवर्क. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो ICC है वो दे हैव एक्सटेंडेड देयर पार्टनरशिप विद यूनिसेफ फॉर 2020 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या अनाउंस किया है? दे एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद यूनिसेफ थ्रू
थ्रू आउट टू द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 विद द फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स थ्रू क्रिकेट. सो प्रोग्राम विल रन फॉर 12 मंथ्स. ICC और UNICEF पार्टनरशिप है दैट कमेंस्ड इन 2015. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग US. इंडिया ने क्या अनाउंस किया है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनुअल पार्लियामेंट्री एक्सचेंज. नाउ US और इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि वो एनुअल पार्लियामेंट्री एक्सचेंज इस्टैब्लिश करेंगे जो उन इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायलेटरल रिलेशंस के लिए विद US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्री. सो पार्लियामेंट्री एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन 2020. सेकेंड US इंडिया 2+2 डायलॉग वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? वॉशिंगटन में. नेक्स्ट क्या है? वी हब पार्टनर्स विद स्टार्टअप इंडिया DPIIT. वी हब ने क्या अनाउंस किया है कि जो उसकी पार्टनरशिप है स्टार्टअप इंडिया DPIIT टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स. सो जो दो एंटिटीज़ हैं उन्होंने हैंड्स ज्वाइन की हैं टू लॉन्च स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिसको कि विंग कहा जाता है, वुमेन राइज टुगेदर प्रोग्राम इन तेलंगाना. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट DPIIT. वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि माइकलिन एंड अराई साइन ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया. माइकलिन एंड ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड जॉइंट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स. और किस लिए साइन किए हैं? ताकि वो एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर सकें इंडिया में. माइकलिन और अराय है वो रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव करेंगे रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ टायर सर्टिफिकेट टेस्टिंग. माइकलिन एक फ्रेंच टायर मैन्युफैक्चरर बेस्ड है क्लेमेंट फ्रेंड. नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया और ईरान है दे हैव एग्रीड टू एक्सेलरेट चाबहार डेवलपमेंट. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ही हैज़ मेट विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारिफ फॉर द 19th इंडियन ईरान जॉइंट कमीशन इन तेहरान एंड दे हैव एग्रीड टू एक्सेलरेट चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट. ये जॉइंटली इंडिया ईरान अफगानिस्तान ने डेवलप किया है. जो ईरान के प्रेजिडेंट हैं वो कौन है? हसन रोहाई. कैपिटल तेहरान. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो UAE और ओमन है उन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो ट्रेड और इकोनॉमिक ऑपरेशन को और बढ़ा सकें. इज इट क्लियर? UAE फेडरल एक्सपोर्ट क्रेडिट कंपनी दैट इज़ एटीटार क्रेडिट इंश्योरेंस उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एजेंसीज ऑफ ओमन के साथ ताकि वो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इन्हांस कर सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में. 10th अमन यूनियन जनरल असेंबली कहाँ पर हेल्ड हुई थी? मस्कट में. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग विप्रो पार्टनर्स विद नैसकॉम टू स्किल स्टूडेंट्स. नाउ विप्रो और नैसकॉम दोनों पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू विप्रो है 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे फॉर मोर देन 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया. ये विप्रो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का पार्ट है. नेक्स्ट क्या है? कोल इंडिया इंक पैक्ट विद OCPL. सो कोल इंडिया है दे हैव जॉइंट विद ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड फॉर बाइंग 6,000 टन्स पर डे फ्रॉम द मनोहरपुर कैप्टिव माइन ऑफ OCPL विच इज़ ओन्ड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. सो ये महानदी कोफील्ड्स लिमिटेड और OCPL है दे हैव एंटर्ड इन टू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइजिंग ऑफ एक्सेसिव कोल. कोल इंडिया है वो सप्लाई करेंगे कोल रिसीव टू इट्स ओन कस्टमर्स. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट ट्राईपार्टी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो कि FIDF में साइन हुआ है किस अंडर साइन हुआ है. FIDF क्या है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड. फर्स्ट ट्राईपार्टी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है
डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी नबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में, ताकि फिशरीज़ और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड को इम्प्लीमेंट कर सके विद अ टोटल आउटले ऑफ 7,522.48 करोड़ रुपीज़। फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट इज़ कि मेक माई ट्रिप टू ऑफर ई टिकट्स फॉर हैदराबाद मेट्रो रेल। मेक माई ट्रिप ने लार्सन और टर्बो मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के साथ मिलके उन्होंने एक QR कोड बेस्ड ई टिकट्स इंट्रोड्यूस की हैं मेट्रो रेल के लिए, जो कि कैशलेस और एंड इट विल बी कनेक्टेड एक्सपीरियंस टू द राइडर्स। सो फीचर ये जो है दैट विल हेल्प कम्यूटर्स टू बीट द क्यूज एट द मेट्रो स्टेशन। कम्यूटर्स विल बी एबल टू बुक टिकट्स फॉर 20 स्टेशंस नाउ। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सेबी है, सेबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद AFSA फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन टेक्निकल असिस्टेंट। सेबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कजाकिस्तान अस्थाना फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी म्यूचुअल कॉरपोरेशन और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन क्रॉस बॉर्डर कॉरपोरेशन इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि सऊदीया कुवैत ने दे हैव मेड अ डील टू रिज्यूम जॉइंट ऑयल आउटपुट। सऊदी अरेबिया और कुवैत उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने पंपिंग रिज्यूम किया है टू मेजर ऑयल फील्ड्स इन अ शेयर्ड न्यूट्रल जोन शर्ट फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि उनके बीच में बायलेटरल डिसएग्रीमेंट था और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया डिमार्केशन ऑफ लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स इन द न्यूट्रल जोन। नेक्स्ट क्या है कि अशोक लीलैंड और सिट्री कॉर्प फाइनेंस उन्होंने हैंड्स ज्वाइन किया फॉर फाइनेंसिंग कमर्शियल व्हीकल्स। इज इट क्लियर? सो कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है CFIL के साथ सो दैट दे कैन एंटर इनटू अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फॉर 2 ईयर्स टू ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स इन इंडिया। CFIL ने उन्होंने बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी ऑफर किए हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिया जापान है दे विल प्लेज टू डीपन मैरीटाइम टाइज। सो इंडिया जापान है उन्होंने वो किया है तो डीपन मैरीटाइम कॉपरेशन और उन्होंने कहा है कंसल्टेशन ऑन डिसआर्ममेंट नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल। 5th राउंड है इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग का, वो टोक्यो में हेल्ड हुआ है विद इंडियन डेलीगेशन लेड बाय इंदिरा मनी पांडे एंड एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जिसमें कि वो जॉइंटली नए ड्रग्स को डेवलप कर सके फॉर ट्रीटिंग वेरियस मेडिकल कंडीशंस, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स फॉर इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट्स विद सिप्ला इंडिया सिप्ला लिमिटेड। और इसी सिप्ला के MD और ग्लोबल CEO कौन है? उमंग वोहरा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग BEML साइंस पैक्ट विद इरकॉन टू एक्सप्लोर ओवरसीज मार्केट। BEML लिमिटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में के साथ और किसके लिए किया है इन्होंने? सो दैट दे कैन एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज इन दी ओवरसी मार्केट बाय सिनर्जाइजिंग देयर ईच अदर स्ट्रेंथ फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग BEML इक्विपमेंट फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स। लास्ट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट्स इज कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स है दे पार्टनर्स विद Paytm टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। HDFC लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, नाउ दे आर पार्टनर विद Paytm सो दैट जो Paytm के कस्टमर्स हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज कर सके फ्रॉम HDFC लाइफ। सो HDFC लाइफ हैज़ बीन डूइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू हैव अ वाइडर रीच। Paytm के प्रेजिडेंट कौन है? अमित नायर। सो गाइज इन दिस सेशन आई हैव Done with the agreements. In the next, I'll be taking up the schemes. Thank you.